और सब सरफेस इरीगेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर। इरीगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। ठीक है, इरीगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल। इट इज़ यूज्ड टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप्स एंड रिवेजिटेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल्स इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। इस चीज़ को डेफिनेशनली यदि देखा जाए तो इरीगेशन क्या है, वाटर का एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल वे में, बस इतना समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में यदि हम देखें तो नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, इरीगेशन करते क्यों हैं। इनसफिशियंट रेनफॉल, जब वार्षिक वर्षा जो है कम होती है तब हमें इरीगेशन करनी पड़ती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जब वर्षा का जो है जो वितरण होता है, अनइवन का मतलब होता है फैला हुआ, तब हमें इरीगेशन करनी होती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स, बहुवर्षीय फसलों की सुधार हेतु हमें सिंचाई करनी होती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डिजर्ट एरियाज, डिजर्ट का मतलब पथरीले रेगिस्तानी रेतीले क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ जो वाटर सॉइल पोरोसिटी है वो बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर हमें जो है सिंचाई करना पड़ता है। तो ये सब आवश्यकताएँ हैं जो हम इरीगेशन को अडॉप्ट करने के लिए लगाते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है इरीगेशन का, क्या बेनिफिट्स है, हमें इरीगेशन क्यों करनी पड़ती है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, जाहिर सी बात है कि अगर हम फसलों उत्पादन कर रहे हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ एग्रोनॉमिकली क्रॉप्स या इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, वाटर इज एसेंशियल इन्ग्रेडियंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी क्रॉप। विदाउट वाटर द क्रॉप, ह्यूमन बींग्स और एनीथिंग एल्स मे नॉट बी सर्वाइव। तो ये फंडा है कि इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, फसल की बढ़ोतरी के लिए हम सिंचाई करते हैं। प्रोटेक्टिव फ्रॉम फेमाइन, कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर जनरेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। इसमें सबसे अगर बेसिक फंडा है तो देखो, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, फसल उत्पादन के लिए हम जो है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड के लिए करते हैं, क्योंकि जिससे हमें अपना आउटपुट ज़्यादा मिले, ठीक है, फसलों की वृद्धि एवं विकास अच्छी हो, उनका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा हो, इन सब चीज़ों के लिए हमें फसल की सिंचाई करनी बहुत आवश्यक होती है। यदि हम नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इरीगेशन, ठीक है, वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर, अब हम ये देखेंगे। राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, जब जलस्तर बढ़ जाता है, आप बहुत अच्छे से सुने होंगे, एक बिल्टिंग पॉइंट होता है, एक परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, एक फील्ड कैपेसिटी होता है। ये तीन टर्मिनोलॉजी सॉइल कंजर्वेशन में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, ये 15 जब हो जाता है PWD, तब ये कंडीशंस उत्पन्न होती है। फील्ड कैपेसिटी भी 15 से नीचे पे होता है। तो क्या है ना, वाटर टेबल जब नीचे चला जाता है और भूमि की सतह पर, ठीक है, भूमि की सतह पर ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों के लीचिंग के बाद में जो सतह बचती है वो कंकरीली और बजरीली रह जाती है, जहाँ पर वाटर लेवल डाउन होकर वहाँ मृदा के जो कण हैं, जो जल के जो कण हैं, उन मृदा कणों से अवशिद्र होकर नीचे चले जाते हैं और हमें सिंचाई करनी पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ मार्सी लैंड, जो मार्सी लैंड्स होते हैं ना, दलदली भूमियाँ, वहाँ हमें सिंचाई को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर लॉक खुद ही होती हैं, है ना, वहाँ वाटर का स्टेग्नेशन बहुत होता है, तो वहाँ सिंचाई हमें एज पर द नीड करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो डैम्पनेस इन वेदर में डैम्पनेस तो हमेशा देखने को मिलती है, कभी कभी जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, कभी कभी टाइमली रेनफॉल हो जाता है, कभी फर्स्ट जून के अंतर्गत आ जाता है फर्स्ट वीक तक, और कभी कभी नहीं आता। आजकल तो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं दिसंबर में, कहीं नवंबर में, ठीक है, मतलब बिन मौसम बरसात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो है, जब डैम्पनेस इन वेदर होता है, तो हमें आर्टिफिशियल इरीगेशन को अडॉप्ट करके सिंचाई करनी पड़ती है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड्स, ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ इरीगेशन है। अगला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मेथड्स ऑफ इरीगेशन की यदि बात की जाए, तो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि एक होता है सरफेस इरीगेशन, एक होता है सब सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन की यदि आप बात करें, अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड और फ्री,
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ वाइल्ड और फ्री? वाइल्ड का मतलब जंगली, ठीक है, और फ्री का मतलब बिल्कुल अंडर कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड हो गया, ठीक है, इसके बाद में बेसिन मेथड्स हो गया, और इसके बाद में फरो मेथड्स हो गया। ज़्यादातर उद्यानों में हम बेसिन मेथड्स और चेक बेसिन मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड को कम यूज करते हैं, और फरो मेथड्स को हम उसमें यूज करते हैं जिनकी प्लांटिंग डिस्टेंस ऑन एन एवरेज 9x9 10x10 या 8x8 मीटर्स होती है, वहाँ पर हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और सब सरफेस इरीगेशन हुआ, फिर हुआ स्प्रिंकलर इरीगेशन। आजकल यदि आप देखा जाए तो स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ड्रिप को ट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है, ट्रिकल इरीगेशन। तो हमें ये नोट कर लेना है कि ड्रिप को ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं। इजराइल से इसका उद्भव हुआ है, इजराइल से ये पद्धति आई है, ठीक है। आजकल ज़्यादातर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन का किया जा रहा है। और यदि हम बात करें फ्रूट ऑर्चर्ड में, तो फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए यदि सबसे प्यारी पद्धति है तो वो है ड्रिप इरीगेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जिसे सरफेस इरीगेशन कहते हैं। सरफेस इरीगेशन को हम देखते हैं, इन ऑल द सरफेस मेथड्स ऑफ इरीगेशन वाटर इज आइदर पॉन्डेड ऑन द सॉइल और अलाउड टू फ्लो कंटिन्यूसली ओवर द सॉइल सरफेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इरीगेशन। इट डज नॉट रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट डज नॉट रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। This is mainly because of uncertain infiltration rates, which are affected by year-to-year changes in the cropping pattern, cultivation practices, climatic factors, and many other factors. तो सरफेस इरीगेशन का मेन फंडा है कि ये आप पॉन्डेड वाटर से भी कर सकते हो और कंटिन्यूसली फ्लो भी कर सकते हो, जैसे कि ट्यूबवेल हुआ, सबमर्शिबल हुआ, समर हुआ, है ना, कैनल्स का सोर्सेस हुआ, ठीक है, और पॉन्डेड थोड़ा अलग हो जाता है। तो सर्विस इरीगेशन के थोड़े से अवयव हैं। इसके बाद में हम आएंगे अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग पे। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग का मतलब जहाँ हमारा नियंत्रण ना हो और वर्षा का मतलब पानी का बहाव, ठीक है, तेज़ी से हो रहा हो और नियंत्रण ना हो, अनकंट्रोल्ड का मतलब ये हुआ। व्हेन वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप लैंड विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड विदाउट एनी लेवीज टू गाइड और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर ऑन द फील्ड, द मैथड इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड वाइल्ड और फ्री फ्लडिंग। फिर से देखो, क्योंकि इसकी लाइनों में ही आप समझ जाओगे कि अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग का मतलब क्या है। व्हेन वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप लैंड विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ लैंड, समझ रहे हो, विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड विदाउट एनी लेवीज टू गाइड और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर ऑन द फील्ड, द मैथड इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड वाइल्ड और फ्री फ्लडिंग। Uncontrolled flooding generally result in excess irrigation at the inlet region of the field and insufficient irrigation at the outlet end. Efficiency is reduced because of either deep percolation of flowing away of water from the field. The advantage of this method is the low initial cost of land preparation. Low initial cost per आपको किसी तरीके की विशेष उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लैंड अगर लेवल्ड है तब भी इरीगेशन अडॉप्ट हो जाएगी, अगर आपकी अनलेवल्ड है तब भी ये इरी हो जाएगी। क्योंकि अनकंट्रोल्ड का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि मान लो तालाबों से, नहरों से, ठीक है, ऐसे पानी का बहाव जहाँ किसी का नियंत्रण ना हो, वो अनकंट्रोल्ड सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर यदि बात करेंगे तो वो है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड को देखिए, बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड और सिंपली बॉर्डर इरीगेशन, इसे कहीं कहीं बॉर्डर इरीगेशन भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिप मेथड हटा देते हैं, इज अ कंट्रोल्ड सरफेस फ्लडिंग मेथड ऑफ अप्लाइंग इरीगेशन वाटर। इन दिस मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, छोटे छोटे भागों में फार्म को डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि छोटे छोटे भागों में एक एक मीटर में कर देंगे, एज पर द नीड। यदि हमारा एक हेक्टेयर एरिया है तो एक हेक्टेयर एरिया में स्ट्रिप्स ज़्यादा से ज़्यादा यदि बनेंगी तो 48 से लेकर 60 तक स्ट्रिप्स बनेंगी। द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज सुटेबल टू सॉइल्स ऑफ मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इनटेक रेट्स एंड लो एरोडिबिलिटी। दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ लैंड इन्वॉल्विंग हाई इनिशियल कॉस्ट। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे बोला था कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में इसीलिए इस्तेमाल नहीं होता कि ये हाई कॉस्ट को इनिशिएट करता है और किसान इतना रीचेबल नहीं है कि इस बॉर्डर स्ट्रिप्ट मेथड को अडॉप्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ चेक मेथड। ये काफ़ी फेमस है हॉर्टिकल्चरल फील्ड में, ये काफ़ी फेमस है
चेक मेथड. द चेक मेथड ऑफ इरीगेशन इज बेस्ड ऑन रैपिड एप्लीकेशन ऑफ इरीगेशन वाटर टू अ लेवल और नियरली लेवल एरिया कंप्लीटली इंक्लोज बाई डाइक्स. इन दिस मेथड द एंटायर फील्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ ऑलमोस्ट लेवल प्लॉट्स कंपार्टमेंट्स और क्यारीज सराउंडेड बाई लेवीज. दिस मेथड इज सुटेड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स रेंजेस फ्रॉम वेरी परमिएबल टू हैवी सॉइल्स. लॉस ऑफ वाटर थ्रू डीप पर्कुलेशन near the supply ditch and surface runoff can be minimized and adequate irrigation of entire farm can be achieved. Thus, application efficiency is higher for this method. Application irrigation जो efficiency है वो higher क्यों है? क्योंकि check irrigation method में क्यारियों को बना दिया जाता है. और मैंने पहले ही बोला था कि जो high density planting या जिनकी planting density ज़्यादा है वहाँ हम क्यारियों को बनाकर सिंचाई करते हैं. उसके आसपास 1x1x1 meter का एक गड्ढा खोद देंगे जिसमें लंबाई भी 1 meter होगी, चौड़ाई भी 1 meter होगी, गहराई भी 1 meter होगी. उसमें हम आधा भरेंगे क्योंकि हमारा रूट जोन से लेकर बस 0.5 meter तक, रूट जोन से लेकर प्लांट के 0.5 meter तक की सरफेस पानी से ढकी हुई होनी चाहिए. यदि इससे ऊपर की सरफेस को हम पानी से ढक देते हैं तो प्लांट की रूट का डिस्ट्रक्शन होना पॉसिबल हो जाता है और इसमें रोटिंग होने लगती है. प्लांट में कभी कभी विदरिंग भी हो जाती है, येलोइंग भी हो जाती है. तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा. चेक बेसिन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हुआ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए. अब हम फरो मेथड की बात यदि करें तो एन अल्टरनेटिव टू फ्लटिंग द एंटायर लैंड सरफेस इज टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल चैनल्स अलोंग द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड लेटिंग द वाटर फ्लो थ्रू दीज चैनल्स विच आर टर्म्ड फरोज क्रिएसिस ऑफ कोरोगेशन. फरोज नेसेसिएट द वेटिंग ऑफ ओनली अबाउट हाफ टू 1/5 ऑफ द फील्ड सरफेस. दिस रिड्यूस द एवेपोरेशन लॉस कंसिडरेबली. दिस reduce the evaporation loss considerably. Furrows provide better on farm water management capabilities for most of the surface irrigation conditions and variable and severe topographical conditions. Possibility of increased erosion. Furrow irrigation requires more labor than any other surface irrigation methods. Yadi hum abhi चेक बेसिन या वाटर स्ट्रिप की बात करें या अनकंट्रोल फ्लडिंग की बात करें तो यहाँ पर इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की, लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी. तो ये थोड़ा हाई है चेक बेसिन मेथड से, लेकिन हाँ इसे हम हॉर्टिकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उद्यानों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं. अब हम बात करेंगे सब सरफेस इरीगेशन. सरफेस इरीगेशन के अंतर्गत हमने अभी अनकंट्रोल फ्लडिंग को देखा, चेक बेसिन को देखा, वाटर स्ट्रिप को देखा. अब हम देखेंगे सब सरफेस इरीगेशन. सब सरफेस इरीगेशन सिंपली सब इरीगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू सॉइल्स डायरेक्टली अंडर द सरफेस. मॉइस्चर रीचेज द प्लांट रूट्स थ्रू कैपिलरी एक्शन. द कंडीशंस विच फेवर सब इरीगेशन आर एज फॉलो. इम्परवियस सब सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ 2 meters और मोर. अ वेरी परमिएबल सब सॉइल. अ परमिएबल लोम और सैंडी लोम सब सरफेस सॉइल. यूनिफॉर्म टॉपोग्राफिक कंडीशंस एंड मॉडरेट ग्राउंड स्लोप्स. इसके अंतर्गत ये आते हैं. सब सरफेस इरीगेशन को अब कुछ भागों में डिवाइड किया जाएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं. इसके अंतर्गत आता है स्प्रिंकलर इरीगेशन. स्प्रिंकलर इरीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस और ड्रिप ये ज़्यादा इस समय मतलब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़्यादातर किसान भी अब ड्रिप को ही इस्तेमाल करने लगा है. अपने यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा हो, है ना, तुरारी कैंपस में ड्रिप इरीगेशन लगा है ना. किसमें? पॉली हाउस का भी अगर विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि अपने पॉली हाउस में ड्रिप है पूरा. तो अब स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम देखेंगे कि स्प्रिंकलिंग इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सॉइल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे विच इज समवॉट सिमिलर टू रेन. रोटेटिंग स्प्रिंकलर हेड सिस्टम आर कॉमनली यूज फॉर स्प्रिंकलर इरीगेशन. Each rotating sprinkler head applies water to a given area size of which is governed by the nozzle size and the water pressure. Alternatively, perforated pipe can be used to deliver water through very small holes which are drilled at close intervals along a segment of the circumferences of a pipe.
शॉर्ट में समझने की ज़रूरत यह है कि जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है ना, वर्षा, बस उसी तरीके से फसलों को कृत्रिम रूप में जलों को प्रदान करने की प्रक्रिया है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अब आइए स्प्रिंकलर इरिगेशन के एडवांटेजेस पर। इसका एडवांटेजेस ये है कि इसकी एफिशिएंसी 80% है। इसे नोट करना, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। लो वाटर लॉस, सेविंग इन फर्टिलाइजर, सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, नो सॉयल इरोजन, बेटर सीड जर्मिनेशन, फ्री एरेशन ऑफ रूट जोन, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अब इसके डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज होना जायज है। हाई इनिशियल कॉस्ट, कैन नॉट अडॉप्ट बाई ऑर्डिनरी फार्मर्स। ठीक है, पुअर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन विंडी वेदर एंड हाई टेम्परेचर, हाई एवेपोरेशन लॉसेस, वाटर शुड बी फ्री ऑफ डेब्रीज, फिजिकल डैमेज टू क्रॉप बाई एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी स्प्रे। यदि इसमें ये डिसएडवांटेज दिया गया है तो मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि देखो जब इस पर लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी, तो भाई मेरे ऊपर है ना कि मैं उसकी इंटेंसिटी को कम भी कर लूँ। ऐसा तो नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग की तरह काम कर रहा है, पर ये कुछ किताबों में मिला, इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया है कि इसमें जो इसका एप्लीकेशन हाई इंटेंसिटी के कारण कुछ क्रॉप डैमेज हो जाती हैं, तो हम उसकी इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमारी फसल डैमेज नहीं होगी। ना, अब हम आते हैं ड्रिप इरीगेशन पर। ये जरूर नोट करना, आप इसे ट्रिकल इरीगेशन कहते हैं कि ट्रिकल इरीगेशन सिस्टम कंप्राइजेज मेन लाइन, सब मेंस लेटरल वॉल्व्स टू कंट्रोल द फ्लो ड्रिपर्स और एमिटर्स, प्रेशर गॉज, वाटर मीटर्स, फिल्टर्स, पंप्स, फर्टिलाइजर टैंक्स, वैक्यूम ब्रेकर्स एंड प्रेशर रेगुलेटर्स। द ड्रिपर्स आर डिजाइन टू सप्लाई वाटर एट द डिजायर्ड रेट 1-10 लीटर्स पर हवर डायरेक्टली टू द सॉइल। लो प्रेशर हेड्स एट द एमिटर्स आर कंसिडर्ड एडिक्वेट एज द सॉइल कैपिलरी फोर्सेज कॉजेज द एमिटेड वाटर टू स्प्रेड लेटरली एंड वर्टिकली। इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। लो वाटर लॉस एनहेंस सेव वाटर, एनहेंसेस प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ईल्ड, सेविस लेबर एंड चार्जेस, कंट्रोल वीड ग्रोथ, नो सॉइल इरोजन, इम्प्रूव्स फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर पे। इरीगेशन वाटर मस्ट नॉट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। The irrigation water must not damage the soil and not endanger the quality of surface and ground waters with which it comes into contact. The presence of toxic substances in irrigation water may threaten the vegetation, besides degrading the suitability of soil for future cultivation. Surface water, ground water and suitably treated waste waters are generally used for irrigation purposes. Ab humne आज सरफेस इरिगेशन को पढ़ा, जो सेकंड में एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो हमने जो है आप इरिगेशन मेथड्स को कंप्लीट कर लिया। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, और वही मैं पुराना वाला फंडा आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे लेक्चर से आपको 50 कम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनाने होंगे। कम्पिटिटिव क्वेश्चंस